तो फ्रेंड्स सभी को नमस्कार। तो आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जनरेटर को हम लोग व्हीकल हमारे जो डीजे वाले गाड़ियां होती हैं उनसे कैसे उतारते हैं। तो थोड़ा सा ये हैवी जनरेटर है तो जिसके बारे में हम लोग आपसे डिस्कस करके बता रहे हैं किस टाइप से हम लोग उतारना है, सावधानी किस बारे से रखनी है। तो ये ज़्यादा विशेष ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स, क्योंकि हैवी जनरेटर को उतारना थोड़ा सा कठिन होता है। और मे भी ऐसा होता है फ्रेंड, कई दफ़ा ऐसा होता है उतारते उतारते कई बार जनरेटर पलट भी जाता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसको हल्के में लोगों को नहीं लेना है, इसको इजिली बराबर वॉच करना है। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना हो वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। और बाकी हम लोग फ्रेंड जो भी इसमें जो हम लोग से हो पाएगा सजेशंस वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हम लोग जनरेटर के वीडियो में जाने से पहले, अनलोडिंग वीडियो में जाने से पहले हम लोग का एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो भाई हमारे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने बेल आइकन को दबा लें फ्रेंड्स, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन उनको बराबर मिलते रहें फ्रेंड्स, ठीक है। और आगे भी आने वाले वीडियो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बाकी जो पुराने फ्रेंड्स हैं पता है उनको क्या करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं अपन जो हमारा वीडियो है, जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि हम लोग जनरेटर जो है अपने डीजे वाले गाड़ी से कैसे उतारते हैं फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपन वीडियो की ओर। हाँ जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हम लोग जनरेटर उतारने के लिए कुछ प्रोसीजर। तो व्हीकल को थोड़ा सा साइड में है फ्रेंड्स, तो जनरेटर को थोड़ा सा खींच के लाएंगे अपन। तो कुछ फ्रेंड की सहायता से देखेंगे हम लोग किस प्रकार से इसको जो डीजे बेल्ट है उसमें बांध लोग खींच रहे हैं, और यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से कितने लोग का मशक्कत। देखिए यहाँ पे भाई भाई लोग यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इसको खसका लिए हैं और इसको थोड़ा सा लूज करके इसको हम लोग सामने की ओर बांध लेते हैं फ्रेंड। इस सामने की ओर तो अपन बांध लिए अपन आराम से। ये देखिए किस प्रकार से बांधे इसको, इस टाइप से बांधेंगे। और इसको जो हमारा इसमें जो लोहे का जो ये अपना रॉड टाइप का है इसमें हम लोग बराबर दो बार लपेट लेंगे फ्रेंड, जिससे क्या है जो अपना स्लिप रहेगा वो स्लिप ना हो पाए, ठीक है। और एक अच्छा पकड़ इसमें बना के रखें फ्रेंड्स, ठीक है। तो दो पट्टे का यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। एक पट्टे को मैं स्वयं कंट्रोल कर रहा हूँ फ्रेंड्स और एक पट्टे को मेरा जो साथी भाई है वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसको भाई इसमें क्या करेंगे, धीरे से इसको चढ़ाने का है ना। तो देखेंगे इसको धीरे से उठाएंगे और जो अगला जो ये है एंगल है, एंगल को हम लोग इसमें क्या है व्हील के उसमें अंदर में इसको प्रोवाइड कराएंगे। जब व्हील के अंदर प्रोवाइड अच्छे से हो जाएगा तो दोनों का ऐसे ही सेम डिस्टेंस पे अपन प्रोवाइड करेंगे। ये कुछ हद तक हो चुका है और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे करके हम लोग उसको और भी अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो भाई लोग और भी अंदर कर रहे हैं अभी, काफी कड़ी मशक्कत करने के बाद फ्रेंड्स ये सब काम होता है। तो कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम लोग को सहयोग करने के लिए हमारे पैकरा साउंड के भाई लोग भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स इसको भी धीरे से हम लोग क्या करेंगे अंदर की ओर इसको पुटअप करेंगे। बराबर डिस्टेंस रहेगा दोनों का, डिस्टेंस जो हमारे चैनल रहेंगे दोनों के चैनल का डिस्टेंस बराबर रहेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो क्या होगा अनबैलेंस हो जाएगा। अनबैलेंस होने के कारण क्या हमारा जनरेटर गिर भी सकता है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे अपन इस चीज को भी देखेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कोशिश यही रहेगा फ्रेंड्स कि जो हम लोग प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं उसको करेंगे ही करेंगे। उस चीज के लिए काफी मशक्कत करना पड़ता है और वे को ध्यान रखेंगे। देखेंगे भाई लोग कैसे मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। क्या कुछ नया करना होता है फ्रेंड्स तो यहाँ पे होता ही है। देखिए हम लोग यहाँ पे ताकत लगा रहे हैं तो मेरे को लगता नहीं है कि जा पाएगा, एक बंदे को और चढ़ा के देखते हैं, यहाँ से भी काफी मुश्किल लग रहा है। चलिए देखते हैं, नहीं होता है तो फिर पट्टा बांध के फिर से खींचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए धीरे से पट्टा बांध थोड़ा खींचते हैं यहाँ पे और दो चक्के कम से कम एटलीस्ट चढ़ा लेंगे तो दिक्कत नहीं होती। किस तरह ताकत लगा रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा थोड़ा सा जुगाड़ है एक, ठीक है, कि हम लोग का व्हीकल भी आगे ना जाए इसके लिए गुटका लगा दिए अपन व्हील के पास में। और ये देखिए लटपट में जैसे भी हमने चढ़ाया है जैसे हो सकता है ना। तो ये एक वेल्यूशन होता है फ्रेंड्स कि हम लोग किस टाइप का वर्क करें। तो ये जैसे कि धीरे धीरे हम लोग अपने उस पर हम लोग चढ़ा के चैनल पे चढ़ा के और धीरे से हम लोग इसको ये कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर से उसको अगेन दोबारा उस चीज को बांध लेंगे फ्रेंड्स जो हमने पहले किया था, उस वाले लोहे के चैनल को बांध करके हम लोग को
ये करना है फ्रेंड्स, ठीक है। और प्रॉपरली ढंग से इसको हम लोग वर्क करेंगे, क्योंकि इसमें तो थोड़ी सी भी लापरवाही एक हादसे का कारण हो सकता है फ्रेंड्स। तो लापरवाही यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाना है अपने को। ये देखेंगे हमारे कुरमा के भाई हैं राहुल, ठीक है, अजय भाई हैं, और पैकरा साउंड के जो ये हैं ऑनर है वो भी हमारे साथ में साथ दे रहे हैं, प्रेम भाई भी हैं। तो ये देखेंगे उधर से दो और इधर से दो, प्रेम भाई को डिस्टर्ब करने के लिए हम लोगों ने साइड में रखा है ना, क्योंकि एक एक्सपीरियंस बंदा भी होना बहुत जरूरी फ्रेंड्स, इसमें एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना आउट एक्सपीरियंस आप कुछ भी नहीं कर सकते, नहीं तो आपका एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे हम इसको डाउन करवाएंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर हम लोग सेफ्टी हो गया है, तो ये पूरा प्रॉपर हमारे चैनल पर चढ़ भी चुका है इसके सारे व्हील, और धीरे धीरे फ्रेंड्स इसको कोशिश करेंगे हम लोग कि पूरा चढ़ चुका है, धीरे धीरे डाउन करेंगे, धीरे 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 दोनों साइड को बराबर डाउन करना है फ्रेंड, दोनों साइड को, एक साइड के नहीं दोनों साइड को बराबर डाउन करेंगे। ये हमारा डाउन हो चुका है, और देखेंगे हमारा पट्टे के जो टेंसाइल किस प्रकार से टाइटनेस पकड़ा हुआ है अपना, तो यहाँ पे वीडियो में साफ साफ दिख रहा है फ्रेंड्स। धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, साइड से पकड़े रहेंगे और धीरे धीरे उस पट्टे को अपने को खोलना है, धीरे धीरे, केवल एक दो लड़के के वेश में अपना काम हो जाना है फ्रेंड्स। तो इसमें आराम से करना, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे धीरे धीरे आपका काम क्या है, आसान हो जा रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए आपका ये आराम से उतर गया फ्रेंड्स। तो ये उतारने के एक आसान फार्मूला, तो फ्रेंड्स हम लोग को थोड़ा जटिल भी लगता है, थोड़ा आसान भी लगता है, बट फ्रेंड्स आप लोग कोशिश करेंगे कि पूरी सावधानी के साथ ही इस चीज को उतारेंगे। और जो भाई हमारे चढ़ाने के वीडियो देखना चाहते हैं कि डीजे को जनरेटर को डीजे गाड़ी में कैसे चढ़ाते हैं, वो हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हम उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जनरेटर फाइनली उतर चुका है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स।